दोस्तों आईपीएल शुरू होने वाला है, ये बात आप सभी को पता है। जिस तरह मैं आईपीएल का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे लगता है आप सभी भी आईपीएल का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। अगर आप सभी ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ आप सभी धोनी के फैन हो, आप सभी सीएसके के फैन हो और आप सभी चेन्नई सुपर किंग के फैन हो और आप चाहते हो कि इस साल की आईपीएल ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग ही जीते। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं कि हमारी टीम किस तरह परफॉर्म कर सकती है, उनकी रणनीति कैसी होगी, वो किस तरह से मैदान पे उतरना चाहेंगे और कौन कौन से खिलाड़ी प्लेइंग 11 में खेलेंगे, किस किस को खिलाया जा सकता है प्लेइंग 11 में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, चेन्नई सुपर किंग में लगभग जितने भी प्लेयर्स है ऑलमोस्ट लेजेंड प्लेयर है, सभी को बहुत ही अच्छा अनुभव है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस को महेंद्र सिंह धोनी को आता है कि उस एक्सपीरियंस को कैसे यूज करें। आप सभी को महेंद्र सिंह धोनी की काबिलियत का पता होगा, उन्हें टीम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से आती है और उन्हें पता है कि किस खिलाड़ी को कौन से जगह पे यूज करना है। एक सबसे अच्छी खबर यह है कि इंडिया के बेस्ट टेस्ट प्लेयर चेतेश्वर पुजारा सीएसके में है और हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी चेतेश्वर पुजारा को ओपनिंग में यूज करे, ओपनिंग उनसे करवाए ताकि सीएसके की एक अच्छी शुरुआत हो सके। अब देखना यह होगा कि कौन करता है चेतेश्वर पुजारा के साथ ओपनिंग, चेतेश्वर पुजारा किसके साथ ओपनिंग करेंगे। सीएसके के पास ओपनिंग के लिए दो खिलाड़ी सबसे अच्छे है, एक डुप्लेसी और दूसरे अंबिता रायडू, और सीएसके के पास बहुत अच्छा विकल्प है कि इन दोनों में से किसी भी एक खिलाड़ी को वो ओपनिंग में यूज करे और दूसरे खिलाड़ी को फर्स्ट डाउन पे यूज करे। और ये दोनों ही खिलाड़ी जानते हैं कि ओपनिंग की भूमिका किस तरह निभाई जाती है और फर्स्ट डाउन की भूमिका किस तरह निभाई जाती है। ओपनिंग भी उतर चुके हैं और फर्स्ट डाउन पे भी उतर चुके हैं काफी बार और इन्होंने अपनी काबिलियत दिखा रखी है, ये किसी भी डाउन पे उतर के एक अच्छी भूमिका टीम के लिए निभा सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा सीएसके टीम में कोई खेले चाहे न खेले सुरेश रैना जरूर खेलते हैं, तो सुरेश रैना को मेरे हिसाब से वो सेकेंड डाउन पे उतारेंगे, वो सेकेंड डाउन के लिए उनपे भरोसा करेंगे। सबसे अच्छी बात तो ये है जो मुझे काफी अच्छी लगी सीएसके में, वो ये कि सीएसके के पास चार सबसे अच्छे खतरनाक से भी खतरनाक हिटर है। पहला, सबसे पहला महेंद्र सिंह धोनी खुद, दूसरे ब्रावो, तीसरे रविंद्र जडेजा और चौथे सैम करण। सैम करण को छोटे चीता के नाम से भी जाना जाता है, तो मेरे हिसाब से आपको इन चारों खिलाड़ियों की काबिलियत का पता होगा कि ये जब खेलने आ जाए मैदान पे तो ये किस तरह से अपने बल्ले से जवाब देते हैं सामने वाली टीम को। और पिछले साल चेन्नई पहली बार ऐसा हुआ था कि चेन्नई टॉप फोर में नहीं पहुंच पाई थी, तो इस चीज का उन्हें काफी दर्द होगा कि पहली बार ऐसा हुआ कि चेन्नई टॉप फोर में नहीं पहुंची, तो इस दर्द के साथ चेन्नई की टीम इस बार आईपीएल में उतरेगी और चेन्नई जरूर चाहेगी इस साल की आईपीएल ट्रॉफी जीतना और चेन्नई हर हाल में चाहेगी अपने आप को साबित करना कि वो बाकी टीम से काफी अच्छी है, बाकी टीम से काफी मजबूत है। काफी लोगों के मुंह से मैंने एक बात सुनी है कि लोग कहते हैं सीएसके की टीम सीनियर सिटीजन टीम है, सीएसके के अंदर बुढ़े लोग खेलते हैं, तो ये बुढ़े लोग, ये सीनियर सिटीजन की टीम इस सवाल का जवाब आपको इस आईपीएल में देगी कि बुढ़ा कौन है और बुढ़े को भी क्रिकेट खेलना आता है कि नहीं आता। और मैं चाहता हूं कि ये बुढ़े लोग सीएसके की टीम अपने बल्ले से, अपने परफॉर्मेंस से हर उस इंसान को जवाब दे जो संदेह करते हैं कि सीएसके की टीम में अब काबिलियत नहीं है, अब सीएसके की टीम सही तरीके से नहीं खेल सकती, अब सीएसके की टीम आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत सकती। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इस साल आईपीएल ट्रॉफी सीएसके जीतेगी और क्या आपको ऐसा लगता है कि धोनी की टीम सीएसके टीम अब सीनियर सिटीजन टीम बन चुकी है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि धोनी की टीम सीएसके टीम बाकी टीमों से कमजोर है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि धोनी की टीम बाकी टीमों से सामना नहीं कर पाएगी, बाकी टीम के सामने कमजोर पड़ेगी। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट करके बताइए कि आप क्या फील करते हो सीएसके को लेके और आप क्या सोचते हो सीएसके इस साल जीतेगी या फिर नहीं। अगर आप धोनी के बहुत बड़े फैन हो, सीएसके के बहुत बड़े फैन हो, तो मैं दिल से चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को
हर उस बंदे तक पहुंचा दे जो ये चाहता है कि धोनी की टीम सीएसके इस साल आईपीएल ट्रॉफी जीते। मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला हो तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलूंगा सभी से मेरे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।